एंड मैं यहाँ पे अभी तक सोच रहा हूँ 25 लाख किसी की बुराई करने के लिए ये होता है। या तो मुझे लगता है एलविस किसी और के लिए बोल रहा था, बिकॉज़ मेरे को पर्सनली लगता है फुकरा थोड़ी बैठ के ये सब करेगा। सो हे गाइस, तो गाइस क्या एलविस यादव को तगेस ने रोस्ट कर दिया? जी हाँ गाइस, आपको तो पता ही है सोशल मीडिया पर अभी एलविस यादव फुकरा इंसान के बीच नेगेटिव पीआर की कंट्रोवर्सी चल रही है, जहाँ पर एलविस यादव अपने ऊपर हो रही नेगेटिव पीआर का आरोप फुकरा इंसान पर लगा रहे हैं। और गाइस एलविस यादव का कहना है कि फुकरा इंसान ने नेगेटिव पीआर चलाने के लिए 25 लाख रुपए दिए। अब गाइस सोशल मीडिया पर अभी तक यह बात तो कंफर्म नहीं हुई कि फुकरा इंसान ही एलविस यादव पर नेगेटिव पीआर करा रहे और इस नेगेटिव पीआर के फुकरा इंसान ने 25 लाख रुपए दिए हैं। लेकिन गाइस आज यहां पर थगेस ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की, जहां पर एलविस यादव फुकरा इंसान के बीच हो रहे नेगेटिव पीआर कंट्रोवर्सी पर अपना रिएक्शन दिया और कुछ ये कहा। एंड मैं यहां पे अभी तक सोच रहा हूं 25 लाख किसी की बुराई करने के लिए ये होता है। या तो मुझे लगता है एलविस किसी और के लिए बोल रहा था, बिकॉज मेरे को पर्सनली लगता है फुकरा थोड़ी बैठ के ये सब करेगा। तो जो बंदा यूट्यूब वीडियोस बना रहा है, सॉन्ग्स बना रहा है, डेली व्लॉग्स बना रहा है, हाँ? मतलब खुद का पीआर करता तो अच्छे गाने बना लेता। स्किडिंग। बट मेरे को एक चीज बहुत ज्यादा फनी लग रही है जो बिग बॉस की क्रिएटिव टीम ने जी जान लगा के ट्राई किया बिग बॉस में कराने का कि नहीं हम तो इन दोनों को लड़वाएंगे, पूरा कॉन्ट्रोवर्सी करवाएंगे, फैन वॉर करवाएंगे, वो तभी नहीं हुआ। अब फिनाले के एक दो महीने बाद हो रहा है, बिग बॉस वाले भी सोचते होंगे पहले करने नहीं हुआ तुम लोग को। देखो मैं क्लियरली बोलता हूँ, तो लड़ाई बंद करो या तो वापस बिग बॉस चालू करो। अगर फुकरा को छोड़ के भी कोई करा रहा है नेगेटिव पीआर, तो आई डोंट थिंक फर्क पड़ना चाहिए, बिकॉज एक $1 बिलियन चाइनीज ऐप जो हमारा नहीं कर पाया वो 25 लाख क्या करें। अब वो जिया के साथ घूमता है तो हमें टैग किया जाता है, अरे हमारा काम हो गया, हम बिग बॉस में गए, हमें जो लगा हमने बोल दिया, अब हमारा समाप्त हो गया है। ना ही हम बिग बॉस में कंटेस्टेंट है ये सीजन, ना ही हम किसी के लिए जाने वाले है ये सीजन। और बेचारे फुकरा भाई के लिए दया आती है कभी कभी, इतने बड़े बड़े वीडियोस बनाने में पड़ा है, वो कहां से नेगेटिव पीआर करेगा। उल्टा मैं तो बोलता हूँ उसके खिलाफ नेगेटिव पीआर करो, वीडियो बना लेगा सर्वाइविंग 24 आवर्स विद नेगेटिव पीआर, साला आइडिया है। बट देखो लफड़ा लफड़ी बंद करो, मारा मारी बंद करो, भाइयों के बीच सिर्फ प्यार होना चाहिए, पीआर नहीं। अब गाइस यहाँ पर थगेस की वीडियो क्लिप देखकर तो लगता है कि थगेस कहीं ना कहीं फुकरा इंसान को ही सपोर्ट करें और एलविस यादव को रोस्ट करें। तो गाइस इन सब पर आपके क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों आपको ये अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।